राजस्थान में नगर निकायों के चुनाव ऑलमोस्ट खत्म होने को है, इसके बाद पंचायत राज चुनाव का दौर चलने वाला है। इससे पहले सरकार ने बोतल पे बैन लगा दिया है, राजस्थान में बोतल पर बैन। जी हां, शराबबंदी नहीं हुई है, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी हुए एक आदेश में बोतल को बैन कर दिया गया है पंचायत राज चुनाव में। आप जो समझ रहे हैं वो अलग हैं, बोतल बांटना या नहीं बांटना ये एक अलग विषय है, चुनाव में शराब बांटने से आप इसे मत समझिए। राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला वो है कि जो निर्वाचन के लिए जो चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे उसमें बोतल चुनाव चिन्ह किसी को नहीं दिया जाएगा। यह गौर करने वाली बात है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो कि विधानसभा का प्रमुख प्रतिपक्षी दल है और केंद्र में उनकी सरकार है, यहाँ कांग्रेस है, तो बीजेपी की राजस्थान में गठबंधन वाली पार्टी आरएलपी का चुनाव निशान बोतल है और इन पंचायत राज चुनावों में बोतल बंटती भी खूब है। इन सारी चीजों को मिला करके शायद ये फैसला लिया गया है। आप इस पत्र की प्रति में पढ़ सकते हैं कि जो राज्य निर्वाचन विभाग के जो मुखिया हैं श्याम सिंह राजपुरोहित आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने एक आदेश दिया है कि जिन चुनाव निशानों का आवंटन किया गया है वो तो यथावत रहेंगे, बस उसमें बोतल नहीं होगी। तो इस बार निकाय चुनावों के बाद होने वाले अब पंचायत राज चुनावों पर गांव के मोहल्ले के लोगों की नजरें हैं कि कौन मुखिया होगा। मुखिया जो होने वाले हैं वो अब अपने वोटर्स और वोटिंग लिस्ट को देखने में जुटे हैं, लेकिन चुनाव के पर्चे पे इस बार बोतल नहीं छपेगी। निर्वाचन आयोग यह भी अपेक्षा करता है कि बोतल नहीं भी छपे और बोतल बंटे भी नहीं, चुनाव निष्पक्ष हो और प्रभावी हो। रोचक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए जूम न्यूज़।